सोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब घर घर जाएंगे और प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स बनकर उन लोगों पर भी नजर रखेंगे जो बाहरी राज्यों से आए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सजग प्रहरी बनकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बाहर से आने वाले लोगों पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष नजर रहती है और जिला में कर्फ्यू नियमों की अवहेलना करने वालों के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उजागर किया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोविड संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिनकी वजह से आज जिला सोलन सुरक्षित नजर आ रहा है। अधिक जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन वंदना चौहान ने बताया कि 300 लोगों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तैनाती जिला प्रशासन के आदेशों पर की गई है। ये महिलाएं न केवल गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं, बल्कि उन्हें राशन पहुंचाने के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी नजर रखे हुए है। अगर कोई बाहरी राज्यों से बिना अनुमति सोलन पहुँचता है तो वह उसकी खबर तुरंत जिला प्रशासन को देने का कार्य करती है। उनके क्षेत्र में आए लोगों की सूची बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने उन्हें सौंपी है। उनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि वे भी सुरक्षित रहें। सबसे पहले तो ये है कि प्रशासन की तरफ से एक्टिव केस फाइंडिंग में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी रही है। कोई भी फील्ड में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको मिलती थी तो तुरंत वो प्रशासन को वो सूचना देती थी, चाहे वो एसटीएम कार्यालय में इनके ग्रुप्स बने हुए थे तो उसमें वर्कर तकरीबन ये सारा काम कर रही थी। और साथ ही साथ अगर कोई बाहर से भी आ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, उसकी सूचना भी प्रशासन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ देती है, क्योंकि लोकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ होती है तो ये सारी सूचना वो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, पंचायत प्रधान, ये एसटीएम्स ने एक टीम बनाई हुई है और टीम के रूप में ये सारी उनको इन्फॉर्मेशन देती है। और डोर टू डोर विजिट्स तो जब प्रशासन के इनको आदेश हैं उसी दौरान ये जा रही हैं। और साथ ही साथ हमारी 1 तारीख को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो जितने भी उनके बेनिफिशियरी हैं, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है, छोटे बच्चे हैं, उनको उन्होंने टेक होम राशन महीने का देना है। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि कोई माइग्रेंट लोग या कोई नए लोग उसके इलाके में आए हैं और वहाँ पे जो छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं और गर्भवती महिलाएँ हैं, कोई प्रेग्नेंट भी है, तो तुरंत जिस दिन वो आए हुए हैं तुरंत वो अपने उनको कैश में रजिस्टर्ड करती हैं और उनको न्यूट्रिशन भी देती हैं। भाग द्वारा जब ये COVID-19 शुरू हुआ था और उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ACF की ड्यूटी में लगी थी तो उस दौरान उससे पहले विभाग के द्वारा उनको मास्क, सैनिटाइजर और लिक्विड सोप ये विभाग की तरफ से उनको दे दिया गया था। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उनको बताया गया है कि किस तरह अपनी सुरक्षा उन्होंने रखनी है और अपना आपको सुरक्षित रखते हुए उन्होंने सूचनाएं भी देनी है और ध्यान भी रखना है अपने स्वास्थ्य का और दूसरों के स्वास्थ्य का।